focus. Ideate. Innovate. Enable. इंडिया पावर्ड बाय बीवीसी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज बाय जूल ट्रेंड्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नए ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से, और आज मेरे साथ है मेहता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के सोहन राज मेहता जी। 1990 में मेहता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई और आज टेम्पल ज्वेलरी इनकी स्पेशलिटी है। सोहन राज जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले 1990 में जब आपने शुरुआत की तो किस तरह की शुरुआत रही, उससे पहले आप क्या करते थे और कैसे टेम्पल ज्वेलरी में आए? पहले कर्नाटक में बीरूर गांव है, बीरूर में हमारे पिताजी सेटल हो गए थे, दादाजी से भी उधर काम काज चल रहा था और उनका किराना का काम काज था, प्रोविजन स्टोर से होते हुए एक सुपारी का बगीचा बनाया हमारे पिताजी ने। हाँ, सुपारी का बगीचा वो अभी भी है। हाँ, तो उसके तरफ ज्यादा ध्यान दिया हमारे पिताजी ने तो बिजनेस थोड़ा ढल पड़ गया था, तो थोड़े तकलीफ में फाइनेंशियली भी आ गए थे। उसके बाद में मैं हाथ में काम काज लिया थोड़े दिन, वो प्रोविजन स्टोर ही चलाया। चलाने के बाद में मुझे कुछ उसमें ज्यादा फायदा नहीं लगा, तो ज्वेलरी बिजनेस करने का सोचा मैंने। तो बीरूर में ही रिटेल मेहता ज्वेलर्स के नाम से रिटेल दुकान चालू की, वही अच्छी चलती थी। उसके बाद में छोटे तरीके से होलसेल भी चालू किया, तो वो आजू बाजू के गांव वालों को हम होलसेल में भी बेंगलोर से लाके होलसेलर्स के यहाँ से उनको भी सप्लाई करते थे। ज्यादातर ज्वेलर्स से मैं बात करती हूँ तो वो पहले से ही उनके दादा परदादा ज्वेलरी में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती रही है सालों से। सिंस आपका एक दुकान थी जो ज्वेलरी की दुकान नहीं थी, किस तरह के इनिशियली चैलेंजेस आए जब आपने ज्वेलरी बिजनेस में आपके कदम रखे? तब हमारे रिश्तेदारों की मुंबई में वगैरह दुकान थी ज्वेलर्स की, तो जाते आते थे ना, तो कि हमको ही मन में आया कि हम भी क्यों नहीं ज्वेलर से, ये प्रोविजन स्टोर में कोई ज्यादा कमाई होने का लग रहा नहीं है, तो शुरू से चालू किया। चालू करते करते थोड़ा प्रोग्रेस हुआ और हम पहले से भी, मेरे मन में यही था कि अच्छा क्वालिटी, गुणवत्ता और टाइम पर ऑर्डर का माल सप्लाई करना, ये रखने से हमारी गिरागी अच्छी चलेगी, और वैसा होते गया। उसके बाद में चलते चलते हम थोड़ा बढ़ाया, आजू बाजू गाँव में भी थोड़ा सप्लाई करना चालू किया। टेम्पल ज्वेलरी फिलहाल आपकी खासियत है, यू नो, टेम्पल ज्वेलरी बनाना कब से शुरू किया और क्यों है आपकी खासियत? उसके बाद में मैं तो उधर करीबन 10-15 साल करने के बाद में व्यापार उसका ज्वेलरी का, मेरा लड़का संदीप मेहता वो बैंगलोर में पढ़ाई करता था, उसका मन हुआ कि हम बैंगलोर में करने से हमको फायदा होगा, कैपिटल है कर्नाटक की, तो उधर दुकान करने की उसका इच्छा हुई, तो हम बैंगलोर में सेटअप किया 2004 में। 2004 में जब आपने बैंगलोर में सेटअप किया, एक छोटे गांव से आपकी शुरुआत हुई थी, तो बैंगलोर जाते वक्त आपको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? हाँ, उधर शुरू में उधर भी रिटेल दुकान ही चालू की थी और मन में था कि आगे हुए तो होलसेल भी करना, लेकिन इतना कंपटीशन था बाजार में और बड़े बड़े पुराने व्यापारी के सामने हम उतना जोर से टिक नहीं सके। फिलहाल आपके रिटेल स्टोर्स है कि बस केवल मैंने? नहीं, वो बीरूर में है, मेरे भाई संभालते हैं, और बेंगलोर में तो अभी वो रिटेल कम कर दिया और होलसेल ही रख दिया। तो क्यों रिटेल से होलसेल में जाने के बारे में आपने सोचा? रिटेल में टर्नओवर ज्यादा नहीं होता। एक बात देखा है कि रिटेल में आते दो जने चार जने लेडीज आते, समय बहुत लगता है उनको समझाने के लिए, और व्यापारी से व्यापारी ऐसा होता है कि उनको सब उनकी क्या चीज है, रिटेल में क्या बिकता है वो सिलेक्शन कर लेते हैं, और बल्क में माल बिकता है, इसलिए वो बाद में दोनों संभालना मुश्किल होना, इसलिए रिटेल बंद कर दिया और होलसेल चालू रखा। उसमें बाद में
संदीप हैंडल करता करता मैन्युफैक्चरिंग में भी उतर गया। हाँ, पहले जब आपने शुरुआत की तो रिटेलर से जब आपने बातें की तो किस तरह के यू नो रिलेशनशिप्स बनाए आपने रिटेलर्स के साथ दूसरे, यू नो एक मैन्युफैक्चर होते हुए अपने आप को एक रिटेलर के सामने रखना, उनको आपकी ज्वेलरी को एक्सेप्ट करना, ये यू नो आसान काम नहीं है, तो किस तरह के रिलेशन है आपके? और ये एंटीक ज्वेलरी में पहले ये रूबी एमराल्ड का माल बनाते थे लोग पहले दूसरे, तो वो उसमें वैक्स वगैरह भी डालते थे नीचे कंकर के नीचे। संदीप का दिमाग में आया कि विदाउट वैक्स क्यों नहीं बना सकते ये, तो वो विदाउट वैक्स रूबी एमराल्ड का काम चालू किया। करते करते कोशिश दो एक दो बार फेल भी हुआ, उसके बाद में ये करना ही सोच के आगे बढ़ते बढ़ते भी सक्सेस हो गए। उसके बाद में हम कहां भी जाते तो हमारा विदाउट वैक्स का माल है ये बोलते थे, तो हमारे ऊपर भरोसा करके वो लोग लेते थे। टेम्पल ज्वेलरी के अलावा क्या क्या और है जो आपकी खासियत है? अभी तो टेम्पल ज्वेलरी बहुत चल रहा है, वो लक्ष्मी का पेंडेंट, कृष्णा का पेंडेंट, भगवान यानी भगवान का पेंडेंट वगैरह साउथ में भी ज्यादा चलता है, और अभी अभी तो हमारा माल टोटल ऑल इंडिया में भी जा रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। आपकी क्या खासियत है टेम्पल ज्वेलरी के अलावा, और क्या क्या अच्छा जो है जो आप बनाते हैं, क्या खासियत है? एमराल्ड का माल बनाते हैं, टेम्पल ज्वेलरी बनाते हैं, उसमें बड़ी आइटम से 5 ग्राम से लेकर 500 ग्राम की एक एक पीस बनता है, जो चोटी है और कमर पट्टा है ये 300 ग्राम 500 ग्राम भी बनता है, और अच्छे अच्छे क्लाइंट है हमारे, अच्छे अच्छे मल्टी कारपोरेट ऑफिस में सप्लाई करते हैं, जिसकी 50 शोरूम है 100 शोरूम है ऐसे, तो बल्क में माल हमारा बिकता है। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे डिस्कशन जारी रहेगा और एक सरप्राइज एलिमेंट भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय बीबीसी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ज्वेल ट्रेंड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने बात की कि मेहता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत कैसे हुई, अभी आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट है संदीप जी। वेलकम टू द शो। आपके पापा से हमने बात की कि किस तरह से आपने बैंगलोर में पहुंचे, वहां पे एक रिटेल आउटलेट शुरू किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग में आए। अभी मुझे आपसे जानना है कि यू नो मैन्युफैक्चरिंग में जाने का आपका क्या थॉट प्रोसेस था, और यू नो क्यों आपको मैन्युफैक्चरिंग इतना ल्यूक्रेटिव लगा? पहले हमने ट्रेडिंग ही किया था कि इधर से लेके उधर बेचना, फिर लगा के अगर पूरा वैल्यू एडिशन देना है कस्टमर को, अगर सस्ते भाव में चाहिए माल और एंड यूजर तक भी वैल्यू एडिशन वो चाहिए, रीजनेबल वैल्यू एडिशन में देना है प्रोडक्ट, तो हमको इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करना ही पड़ेगा। फिर हमने जो हमारी टेम्पल ज्वेलरी स्पेशलिटी है उस टाइम पे बहुत कम कारीगर थे, हमने एक एक कारीगर को ट्रेन किया, एक बाहर से मंगाए कारीगर, उनको विश्वास दिलाया कि हम उनके साथ अच्छा उनको मेकिंग देख के रखेंगे, तभी हमने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट जुड़े जो सिर्फ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग है, उनसे ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, कि उनके हम जो प्योरिटी उनको देते हैं उनका भी अश्योरेंस होना चाहिए, और जो हम डिजाइन बनाते हैं अगर सिर्फ आप हमको डिजाइन देते हैं और सिर्फ आपके लिए हम बना रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंशियलिटी भी उनको चाहिए। अगर हम बाहर से बनाते हैं तो वो कारीगर दूसरे को भी दे देगा। जो हम अभी टाई अप है किसी से और उनके लिए ही डिजाइन बनाते हैं तो वो डिजाइन सिर्फ उनको ही जाता है। यू नो किस तरह से आप अपने कारीगरों को ट्रेन करते हैं और किस तरह से वो और बेहतर डिजाइन बनाए, उसके लिए क्या आप उन्हें कुछ क्रिएटिव छूट देते हैं? क्रिएटिव छूट बहुत देते हैं, और कारीगर की ट्रेनिंग सिर्फ कारीगर ही कर सकता है, कारीगर अपने बाजू वाले कारीगर से ही सीखता है, और हेड कारीगर है वो अपने छोटे कारीगर को सिखाता है, और वो फिर उनको छूट देते हैं पहले वेट की, कि तुम वेट की चिंता मत करो, प्रोडक्ट अच्छा बनाओ हमारे डिजाइन के, फिर एक बार प्रोटो बनने के बाद हम लोग उसको वापस रिवाइज करते हैं, उसमें वेट कैसे कम किया जाए, डिजाइन इम्प्रूव कैसे किया जाए। हमारा इन हाउस डिजाइनिंग टीम है,
मैन्युफैक्चरिंग टीम है वो दोनों मिलके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो फील उसका जस्टिफाई करे वेट को. अगर 100 ग्राम का प्रोडक्ट है और वो 100 ग्राम का फील नहीं दे तो कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन नहीं है. आपके बेटे संदीप जी जब से उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया क्या क्या बदलाव लाए हैं उन्होंने बिजनेस में? मैं मैन्युफैक्चर नहीं कराता था. हाँ. मैं जब हैंडल करता था तब ट्रेडिंग करता था, माल लाना सप्लाई करना ये करता था. उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग करना फैक्ट्री करना ये इसका ही आइडिया है. और ये भाव में भी थोड़ा दिक्कत शुरू में आई जो 2004 में हम धंधा करता थे. उसके बाद में थोड़ी रेट में भी ऊपर चढ़ाव होते रहा, फिर भी हमारे कस्टमर को हम सप्लाई बराबर करते रहे और फाइनेंस का एडजस्टमेंट भी कर दिया, इसलिए हमारा धंधा बढ़ता चलता रहे और फैक्ट्री करने में भी कोई दिक्कत नहीं आई. आपके अपने पापा से क्या क्या चीजें सीखी इस बिजनेस के बारे में? हमारे पूरे फैमिली से हमने यही सीखा है कि दादाजी से पापा से ईमानदारी से बिजनेस करिए और गुणवत्ता क्वालिटी एकदम बेहतर दीजिए तो आप सस्टेन कर पाएंगे मार्केट. किस तरह से, सिंस आपने कहा ईमानदारी से बिजनेस करिए, किस तरह से ज्यादा ईमानदारी से आपके रिटेलर को आपका माल सप्लाई करते हैं? हम जो क्वालिटी बोलते हैं 22 कैरेट बोलते हैं 9170, तो हमारा प्रोडक्ट कभी भी 9170 के नीचे नहीं आता. वो फर्स्ट एंड प्योरिटी हमारा सबसे बड़ा यूएसपी कह सकते हैं. और फिनिशिंग है, क्वालिटी चेकिंग है, वो सब हम करते हैं तो प्रोडक्ट अच्छा बनता है और कस्टमर को भी हमारे ऊपर इतना फेथ आ जाता है कि वो चेक ही नहीं करते. अगर मैं आपसे पूछूं, मैं एक अगर रिटेलर हूं तो मैं आज की तारीख में आपका माल मेरे स्टोर में क्यों रखूं? अभी तो हॉलमार्क वगैरह अभी चालू हुआ है थोड़े वर्षों से, उससे पहले हॉलमार्किंग सिस्टम नहीं था. तब भी हमारे से जो माल रिटेलर लेते थे उनको इतनी गुणवत्ता मिलती थी कि क्वालिटी वाले कोई भी कहीं पुराना होने के बाद में दूसरी दुकान में बेचने को गया तभी उसको पूरा पैसा मिलता था. ये हमारा मेहता का पहले से भी लोगों का आशीर्वाद है कि इनके यहाँ गुणवत्ता मिलेगी, क्वालिटी कभी इन्फीरियरिटी नहीं मिलेगी. इससे हमारा गिराकी जुड़ती गई और आप भी यही विश्वास से हमारे यहाँ माल खरीद सकते. मैं आपसे पूछूं संदीप जी, तो अभी आज का हमारा यूएसपी है कि हमारी जो डिजाइन्स है और हमारा जो वेट है, सेम डिजाइन आपको मार्केट में 20% वेट ज्यादा में मिलेगी. हम लाइट वेट पे बहुत कॉन्सेंट्रेट किया है और जो हम ज्वेलरी और हमारी कारीगरी है इंट्रिकेट नकाशी वर्क, वो आपको हमारे वेट में कहीं पे नहीं मिलेगी. सेम डिजाइन आपको 20% वेट ज्यादा में मिल जाएगी, सेम फिनिश एट आवर वेट विल नॉट गेट इन द मार्केट. और इतना क्रिएटिव है हम, एवरी डे न्यू डिजाइन बनाते हैं. तो अगर आप एवरी डे हमसे पूछेंगे, हम एवरी डे कुछ ना कुछ नया देंगे. तो आप अपने रिटेलर अपने दुकान में अगर नया चीज और इनोवेटिव चीज लाइट वेट रखेंगे तो डेफिनेटली उनको भी फायदा होगा. इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे मेहता ज्वेलर्स के साथ डिस्कशन जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ. जूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय बीबीसी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय जूल ट्रेंड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है. मेरे साथ है मेहता ज्वेलर्स के सोहन जी और संदीप जी, वेलकम अगेन टू द शो. अभी फिलहाल किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं आप अपनी ज्वेलरी बनाने में? टेम्पल ज्वेलरी बेसिकली हैंडमेड ही होता है पूरा. फिर भी हमारे इधर इन हाउस पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, कास्टिंग टेक्नोलॉजी है और अभी हम नेक्स्ट फ्यूचर के लिए हम इलेक्ट्रोफॉर्मिंग का सोच रहे हैं. ये नकाशी प्रोडक्ट हम इलेक्ट्रोफॉर्मिंग में भी बनाना चाहते हैं. उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे वेट कम आएगा और जनरेशन अभी कारीगर्स नेक्स्ट ये टेक्निक के कारीगर्स कम होते जा रहे हैं तो आगे हमको मैकेनाइज्ड प्रोसेस मिल जाएंगे सेम टेम्पल ज्वेलरी बनाने में. वो अभी इनिशियल स्टेज है और उसमें हमको अभी टेस्ट करना है कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, क्या उसमें ड्रॉबैक्स है, क्या उसमें क्या अच्छा हो सकता है और क्या उसमें ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, वो हमको अभी तक देखना है. सोहन जी, फिलहाल देश के किन किन इलाकों में आपकी ज्वेलरी मौजूद है?
अभी तो हमारा पहले से साउथ इंडिया में चलता था, अभी पूरा नॉर्थ सेंट्रल साउथ ईस्ट वेस्ट सब ऑल इंडिया में जाता है और एक्सपोर्ट भी चालू कर दिया है। एक्सपोर्ट कौन से जगहों पे एक्सपोर्ट करते हैं? अभी दुबई गया है, तीन चार बार अभी गया है और भी और आ रहे भी है। यू नो, जब हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं वो जगह पर हमारे रिलेशंस रिटेलर्स के साथ काफी अच्छे होते हैं, लेकिन देश भर में जाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंपनी के बारे में रिटेलर्स को समझाना पड़ता है कि हम एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो वो चैलेंजेस क्या है और किस तरह के रिलेशंस है आपके फिलहाल नेशनली रिटेलर्स के साथ? नेशनली रिटेलर के साथ हमारा माल अभी जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह जा रहा है। हम कनेक्ट करते हैं एग्जीबिशंस की तरह, जैसे ज्वेल ट्रेंड्स का एग्जीबिशन है, यहाँ पे पूरे इंडिया के रिटेलर्स आते हैं, तो वहाँ पे हम कांटेक्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं हमारा ब्रांड के ऊपर, और इतने वेल विशर्स है इंडस्ट्री में हमारे कि एक से एक कनेक्ट कर लेते हैं। तो ज्वेल ट्रेंड्स के साथ आपका जो एसोसिएशन है उससे आपको किस तरह का फायदा हुआ है? ज्वेल ट्रेंड्स के हम दो शो करते हैं एवरी ईयर, एक फेब में होता है एक अगस्त में होता है, उसमें बहुत ही क्वालिटी कस्टमर्स आते हैं ज्वेल ट्रेंड्स का शो देखने के लिए, और काफी हमारे नॉर्थ के कस्टमर्स ज्वेल ट्रेंड से ही जुड़े हैं, तो जिसके साथ हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और ज्वेल ट्रेंड्स एक स्पेशलाइज्ड शो है जहां पे क्वालिटी बायर्स आते हैं। फिलहाल फ्यूचर के लिए आपके क्या प्लान्स है? नेशनली आपने प्रेजेंस बढ़ा ली, एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुबई जैसे मार्केट्स में, तो आगे चलकर क्या क्या नया करता नजर आएगा मेहता ज्वेलर्स? हमको लग रहा है कि हम बेंगलोर से भी बॉम्बे में एक ऑफिस खोले तो ठीक रहेगा। इधर ऑल इंडिया और बाहर से भी ऑल वर्ल्ड से भी कस्टमर आते रहते हैं, तो विचार है कि बॉम्बे में एक ऑफिस करने का। कब खोलने के प्लान्स है बॉम्बे में? अगली अप्रैल में, अप्रैल फर्स्ट वीक में हम बॉम्बे तो का बहुत ही जल्द यहाँ ऑफिस लॉन्च कर रहा है। किस तरह का फायदा होगा यहाँ ऑफिस लॉन्च करने से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो हमारा ब्रांच सेकेंड ब्रांच खुलेगा, और यहाँ से जो नॉर्थ के जो भी रिटेलर्स है जो बॉम्बे अपनी परचेज के लिए आते हैं उनको ईजी हो जाएगा। अभी वो बैंगलोर बहुत कम आ पाते हैं, साल में एक बार आ जाते हैं, दो बार आ जाते हैं, लेकिन बॉम्बे हर महीने आते हैं वो, तो हर महीने हम उनसे टच में रहेंगे, उनका ऑर्डर्स वगैरह सभी फॉलो अप बॉम्बे से हो जाएगा। और आगे चलकर ज्वेलरी के बारे में, यू नो टेम्पल ज्वेलरी तो आपकी खासियत बन चुकी है, इसके अलावा और किस किस तरह की नई ज्वेलरी नजर आएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन से? हम अभी प्लान कर रहे हैं कि इटालियन ज्वेलरी टाइप का कुछ सेटअप करें, जहां पे प्रोडक्ट्स लाइट वेट बने, उसको थोड़ा एंटीक टच देके, तो लेजर कटिंग वगैरह की मशीन्स इंपोर्ट करके हम स्टार्ट करना चाहते हैं लाइट वेट ज्वेलरी। और यू नो जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेस सेटअप करो तो उसके बारे में प्रमोशन करना काफी जरूरी हो जाता है, तो प्रमोशन में आपका किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, किस तरह से अपने आप को प्रमोट करते हैं आप, चाहे वो रिटेलर हो या फिर एंड कंज्यूमर? प्रमोट हम करते हैं मैगजीन्स में एड्स आते हैं हमारे जो होलसेल और रिटेलर्स को जाते हैं, फिर एग्जीबिशंस करते हैं ज्वेल ट्रेंड्स के साथ और साउथ में भी एग्जीबिशंस करते हैं। तो इस ग्रोथ में, ये जो पूरी ग्रोथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं आने वाले सालों के लिए, इसमें आप किन किन लोगों को साथ लेकर चलेंगे? फर्स्ट तो हमारे कारीगर्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं और रिलेटिव्स हैं जिन्होंने हमें शुरू से लेकर अब तक सपोर्ट किया है, और रिटेलर्स हैं जो हमको कंटिन्यूस सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पूरे वेल विशर्स हैं जो भी मेहता गोल्ड को आगे बढ़ना देखना चाह रहे हैं, उन सबको हम मेरा ग्रोथ हमारा ग्रोथ हम उनको भी पार्ट ऑफ द ग्रोथ बनाना चाहते हैं। ऑल राइट, संदीप जी, सोहन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वेल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय बीबीसी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज बाय ज्वेल ट्रेंड्स में आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नए ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से। नमस्कार।
फोकस आइडिएट इनोवेट इनेबल।